हरियाणा के लिए बहुत आदरणीय है, चोई देवलाल जी है, धर्मराम जी है, और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, तो उनके तो हम नाखून के बराबर भी नहीं है, तो उनका कोई मोल नहीं है, उनके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो इतनी बड़ी हस्ती है। मैम, क्योंकि ये आप इसे आप अपनी तरफ से भ्रम कह सकते हो, लेकिन ये प्रचार तो किया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो सर छोटू राम जी के बारे में बोला है उसको लेके कहीं ना कहीं समाज की नाराजगी तो खुलकर आ रही है। दुष्यंत की जो लोकप्रियता है, दुष्यंत को लोग चाहते हैं, वो जो है वो लोगों से हजम नहीं हो रहा, और उनके पास दुष्यंत की बुराई करने के लिए कोई चीज नहीं है, किसी में कोई ना कोई कमी हो, दुष्यंत को लोगों को लगता है कि हम दुष्यंत की कहाँ बुराई करें, तो दुष्यंत के मतलब इस चीज को उन्होंने एक मुद्दा बना के और लोग बखूबी समझ ले रहे हैं। छोटू राम जी को उनके जो सामान था वो अजय सिंह जी खुद लेके आए थे, और उनके स्टैचू का उद्घाटन दुष्यंत ने सरकार को समय दिया था कि अगर आप नहीं करोगे तो हम लोग करेंगे, तो दुष्यंत बहुत कुछ छोटू राम जी के लिए कर रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल के हम लोग काम। कल पलवल के दतीर में मैडम आपने घोषणाओं की झड़ी लगा दी, कर्मचारियों के लिए भी बोला आपने, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी, आप किस तरीके से इसे पूरा करेंगे, क्योंकि घोषणाएं आपने बड़ी बड़ी कर दी है अगर आप सत्ता में आए तो। देखो, घोषणाएं करेंगे, अगर लोगों ने मौका दिया तो वो हम आपको करके भी देंगे। शिक्षित हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा हम लोग लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त है, लोकसभा चुनाव हमारा हरियाणा में बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे, लोकसभा चुनावों को लेकर कितने आश्वस्त है, लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कितना आश्वस्त है, हम लोग लगे हुए हैं पूरी पार्टी, मैं तो कहूँगी एक एक कार्यकर्ता हमारा लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं, और आपको सीट निकाल कर पार्टी के साथ अलायंस, मैडम अलायंस किसी के साथ, वो कमेटी दे दे साइन हो जाओ, लेकिन तमाम जो परिवार के लोग हैं या आपसी जो लोग हैं और जो अन्य विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो कहीं की रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो विधायक परिवार सामने आया कि नैना के सामने सुनैना सामने तैयार नहीं लोग तैयारी कर रही, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है। देखो, मैं तो एक ही बात, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं करती कभी भी किसी को, मैं कहती हूँ अपना काम करो, ज्यादा ताएं बाएं अगर आप झांकने लगे तो आपका जो खुद का रास्ता है ना आप उससे भटक जाओगे, तो अपना काम करो, अपना हमारा फोकस है 12 मई का लोकसभा इलेक्शन, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है, हमने ना दाएं देखना ना बाएं देखना, हमने तो मतलब किया। कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा चली हुई है मैम, दिखाई दे रहे हैं। देखो, हर संगठन अपने संगठन को लेकर चल रहा है, कांग्रेस भी चल रही है, किसी को कुछ नहीं कहना, कांग्रेस चाहे उनका संगठन चाहे अगर बिखराव होएगा तो सबको फायदा है। इन्होंने बीजेपी के साथ संगठन की बात कर दी, लेकिन बीजेपी ने हरेआम नकार दिया, गांव कर दिया, इन्होंने क्या कहना चाहेंगे, वो बीजेपी का काम है संगठन। मैम, आपकी आपकी हरिचुनी चौपाल का पड़ाव है वो 80% से ज्यादा, उधर 40% से ज्यादा आपने हरिचुनी चौपाल कर ली है, तो इसमें क्या क्या बदलाव आपने देखे और कितना पार्टी का ग्राफ इससे जेजेपी का बढ़ा है, आपने क्या महसूस किया, क्योंकि 80% से ज्यादा आप कवर कर चुके हो। देखो, मैंने जब शुरू की थी हरी चुनरी की चौपाल, तो पहली चुनरी जब हमने मीटिंग ली थी 60 महिलाएं आई थी, और फर्स्ट जुगलाण गांव में 200 महिलाओं से हमारा ये कारवा शुरू हुआ था, और देखते देखते आज की जो महिलाएं हैं, जोजू ने सबसे रिकॉर्ड जोजुकला गांव में रिकॉर्ड तोड़ा था, मतलब असंख्य महिलाएं थी जिनको शायद हम लोग गिन नहीं सके, उन्होंने उनका रिकॉर्ड आज बादली के ये गांव में। क्या इन लोगों के और भी बड़े चेहरे हैं जो आपकी पार्टी के संपर्क में है, आ सकते हैं इलेक्शन से पहले, जो आएगा मोस्ट वेलकम, हमने काम करना है, हम काम करें जननायक जनता पर।